हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, ये सब्जी को देखकर समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ भरवा बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप इस तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेम्पटिंग सब्जी बनने वाली है और सबको पसंद आएगी। आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इस तरीके से सब्जी को बनाएंगे तो आपके घर में सब उंगलियाँ चाट चाट कर ये सब्जी खाएंगे और सबको पसंद आएगी। सब और इसमें जो ग्रेवी होती है ना, इसी से, इसी मसाले के साथ हमने कोई एक्स्ट्रा ग्रेवी इसमें नहीं डाला है। कोई लहसुन प्याज का इसमें हमने यूज़ नहीं किया है। बस नॉर्मल इन्हीं मसाले के साथ ही हमारी ये बैंगन की इतनी टेस्टी सब्जी पसंद बनकर रेडी होती है कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई, लेकिन बनाकर ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके घर में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए, देखने में आप इसको पूड़ी, पराठा, रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए, मैंने रोटी के साथ ही इस सब्जी को बनाया, साथ में सलाद लिया है और बच्चों को ही बहुत पसंद आया था। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम बैंगन ले लिए हैं, गोल वाले बैंगन हैं। आप चाहें तो सफ़ेद वाले बैंगन ले सकते हैं या चाहें तो वाइट वाले जो बैंगन आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को जो मिला यहाँ पर मैंने वही बैंगन लिया है। अच्छे से इस तरह से हम चार तरह से इसमें चीरा लगा देंगे और धनिया पाउडर लिया है। धनिया का यूज़ इसमें ज़्यादा होता है, भर के मैंने धनिया लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें 1.5 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 2 चम्मच भर के मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद के अनुसार नमक डाला है मैंने इसमें और 2 चम्मच ही मैंने इसमें भुने जीरे का पाउडर डाला है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे सूखे मसालों को। फ्रेंड्स, इसी मसाले के साथ आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। देखिए, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इसमें यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, यानी कि जो सरसों का तेल होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और इसके साथ साथ मैंने इसमें 3 चम्मच दही डाली है मैंने इसके अंदर। अच्छे से अब हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना है, इतना ही डालेंगे तो आपका मसाला बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। देखिए, इतना ही होना चाहिए। अब हम इसे रख देंगे और जो हमने बैंगन लिए है ना, उसमें हम इसे दबा दबा कर इस तरीके से बहुत अच्छे से इसे हमें फिल करना है अंदर तक, और अच्छे से इसे हम दबा देंगे ताकि जो ये मसाला है इन बैंगन से बाहर ना निकले। सभी बैंगन को भर करके रेडी कर लिया है और ये मसाला बचा है उसका हम यूज़ करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2 चम्मच मैंने भर के मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। इसमें हींग और जीरा हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ ये जो मसाला जो हमारा बचा था ना, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे इसमें। अब थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। धीमी आंच पर ही रखना है और जो आप बर्तन लेंगे ना बैंगन बनाने के लिए, वो थोड़ा भारी तले की कढ़ाई या भारी तले का भगवाना कुछ भी लीजिएगा, पर थोड़ा मोटा तला होना चाहिए ताकि हमारी सब्जी जले नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसी टाइम पर हम ये अपने इसमें बैंगन जो है वो डाल देंगे। उसी प्लेट में जिसमें हमने बैंगन का मसाला रेडी किया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसी से इसको ढक दिया है। इसी पानी को जब ये गर्म होता रहेगा हम इसे यूज़ करेंगे। और इसे बैंगन को सबसे बड़ी चीज़ है, हमें चारों तरफ से अलट पलट कर ही इसे हमें यूज़ करना है। कोशिश करेंगे कि बैंगन में अगर पानी की कमी होती है या बैंगन में हमारा जो ग्रेवी है वो कम लगती है, तो इसी पानी को हम इसमें डालते रहेंगे। अच्छे से इसे हमें चलाना है नीचे से ताकि मसाले आपस में अलट पलट हो जाएं और नीचे बैंगन लग ना पाए। पानी देखिए कम हो गया है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी यहाँ पर, यही वाला पानी, और वापस इसी प्लेट को इसे ढक करके पकने देंगे। इसे पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये देखिए कितना अच्छे से इसमें इसमें उबाल आ रहा है सब्जी में। अब इसे हम फिर दोबारा से पलट देंगे और फिर हम इसको एक बार ढक करके इसको पकने देंगे। बस ये लगभग सब्जी पकने वाली है और यहाँ मैं पानी थोड़ा सा यही वाला और ऐड कर रही हूँ। मुझे ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि जब ये बन के रेडी हो जाएगी ना तो ये देखिए काफ़ी पानी इसका ऑब्जर्व हो जाता है। बस अब इसे चलाते रहेंगे और बस अब सब्जी हमारी बनकर रेडी है।
इस टाइम पर हम इसे हल्का सा बस नीचे से ताकि मसाला लगे नहीं, बस अब हम इसे सर्व करेंगे। अब तो सर्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो ग्रेवी है वो हमने डाली है अपने जो जिस भी बर्तन में हमें इसे सर्व करना है, और बैंगन डाले हैं ऊपर से। अब इसको गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ते से गार्निश